लोहिनी आपकी रिपेमेंट नहीं की तो हमारे साथ क्या हो सकता है और हमारे साथ क्या नहीं हो सकता। अगर हमारे को लाइफ टाइम के लिए अपने क्रेडिट स्कोर को बचा के रखना है तो हमें किसी भी कंपनी से अगर लोन लेते हैं तो हमें उसको टाइम टू टाइम पे करना चाहिए। अगर हमें आगे फ्यूचर में लोन नहीं लेना तो आप हो सकता है कि आप किसी भी कंपनी से लोन लेकर उसको आप रिपे नहीं भी करोगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ये मैंने इसकी जो किस्त है ये 27 तारीख को मैंने इनको पे करनी थी 27 अक्टूबर को, पर जो आज है 28 अक्टूबर है, मैं किसी वजह से जो इसकी रिपेमेंट है वो पे नहीं कर पाया, क्योंकि घर में भी किसी प्रकार से भी कोई भी हमारे को दिक्कत हो सकती है, उसकी वजह से मैं इनकी जो रिपेमेंट है वो नहीं कर पाया। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इनकी रिपेमेंट नहीं करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, अगर आप कर भी दोगे तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। ये मैंने इनकी रिपेमेंट नहीं की तो मेरे पे किसी प्रकार का भी मैसेज या हरासमेंट के लिए बिल्कुल भी कॉल नहीं आई, क्योंकि जो कंपनी जेन्युइन होगी तो मैं उसके जेन्युइन ही बताऊंगा। अगर ये कंपनी 7 दिन या 15 दिन वाली होती तो अब तक ये 50-60 फ़ोन मेरे को कर चुकी होती, और वो तो एक दिन पहले ही कर चुकी थी। ना इन्होंने ड्यू डेट के बाद फ़ोन करा, ना ही ड्यू डेट से पहले फ़ोन करा। जिस दिन मेरी ईएमआई थी उस दिन भी किसी प्रकार से भी मेरे को कॉल नहीं आया, क्योंकि इस कंपनी का सबसे ज़्यादा टारगेट यही रहेगा कि हम किसी भी तरह अगर हमारी रिपेमेंट नहीं मिलती तो हम सिबिल पे अटैक करेंगे, क्योंकि इन्होंने सिबिल डैमेज करना है। अगर मुझे लाइफ टाइम के लिए आगे लोन लेना है या मुझे अपने फ्यूचर के लिए अपने क्रेडिट स्कोर को बचा के रखना है तो मुझे इनकी रिपेमेंट करनी चाहिए। हो सकता है कि मैं आज या कल में इसकी रिपेमेंट भी कर दूँ, और अगर मैंने इनकी एक दिन भी रिपेमेंट डिले करी है तो ये मेरे सिबिल पे ज़रूर फायर करेगा, क्योंकि ये मेरे सिबिल पे ज़रूर दिखाएगा कि मैंने एक दिन यहाँ पर जो पेमेंट है वो डिले करी है, और उसका हटने का कोई चांस नहीं है या 2 महीने में, 4 महीने में या 6 महीने में वहाँ से जो मेरे सिबिल से जो इंक्वायरी है वो हट जाए। अगर आपने भी लोहिनी ऐप से लोन ले रखा है तो आप सिर्फ उनकी रिपेमेंट कर दो, अगर आपको फ्यूचर में कभी भी लोन चाहिए तो। अगर आपको फ्यूचर में लोन नहीं चाहिए तो आप हो सकता है कि इसकी रिपेमेंट ना भी करो। मैंने आपको जो भी बताया एकदम लाइव प्रूफ बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ आ रहा है, योर लोन इज़ नाउ ओवर ड्यू लेट पेमेंट, सिर्फ एक दिन हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कैन अफेक्ट यूअर क्रेडिट फाइन, क्रेडिट फाइन इज इन, किसी प्रकार का भी यहाँ पे अभी क्रेडिट ड्यू पे ब्याज नहीं लगाया, और सिर्फ इन्होंने इफेक्ट यही है कि हो सकता है कि मेरा जो क्रेडिट स्कोर है यहाँ से डैमेज हो जाए, बाकी अभी एक ही दिन हुआ है, क्योंकि कंपनी जेन्युइन कंपनी है, कोई भी जेन्युइन कंपनी किसी प्रकार से भी हरासमेंट नहीं करती, उनका सबसे ज़्यादा टारगेट ये रहता है कि हम जैसे तैसे करके कंपनी का जो सिबिल है डैमेज करेंगे तो हम अपने आप ही जो हमारी पेमेंट है वो आ जाएगी। अगर मैं इनकी रिपेमेंट यहाँ से नहीं भी करूँगा तो मुझे किसी प्रकार का भी यहाँ से लॉस नहीं है, कोई एक कंपनी मेरा सिबिल इतना ज़्यादा भी डाउन नहीं कर सकती कि मतलब मेरा सिबिल 750 है तो वो मेरा सिबिल 600 कर देगी, हो सकता है कि 5 से 10 पॉइंट ये नीचे कर सकते हैं, उसके ऊपर इनके पास भी इतनी थोटी नहीं होती कि जो सिबिल ब्यूरो को ये बोल दे कि इस एप्लीकेशन ने कि इस यूजर ने हमारी पेमेंट नहीं दी तो इनका जो लोन है वो जो इनका सिबिल है वो डैमेज कर दो, क्योंकि ये सारा कुछ सिबिल ब्यूरो के पास होता है, कितने पॉइंट कम करने हैं कितने पॉइंट इंक्रीज करने हैं। सिर्फ मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने लोहिनी ऐप से लोन ले रखा है तो आप उसकी रिपेमेंट कर दो, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपको यहाँ से बड़ा लोन भी मिल सकता है और भी किसी जगह से आपको जो लोन है वो मिल सकता है, आगे आपकी मर्जी, क्योंकि मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे इस कंपनी की तरफ से पैसा मिला है कि मतलब कि मैं यहाँ पे आपको बोलूँ और आप इनकी रिपेमेंट कर दो। अगर आपके पास है तो कर दो, नहीं है तो वो आपकी मर्जी, सिर्फ मैंने आपको यही बताया कि ना करने के क्या नुकसान है, करने के क्या फ़ायदे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।